के साथ 45 लाख की ठगी के मामले में डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साइबर ठग का नया ठिकाना बन चुका है राजस्थान। आरोपियों के मोबाइल की जांच में पुलिस जुटेगी। डिजिटल अरेस्ट करके महिला से लाखों रुपए लिए गए। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधी नोएडा ग्रेटर नोएडा के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करने के बाद लोगों के साथ ठगी करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं। नोएडा में महिला डॉक्टर से 45 लाख रुपए की ठगी करने के आरोप में ये तीनों आरोपी संलिप्त थे और तीनों ने साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराए थे। माना जा रहा है कि राजस्थान में एक बड़ा नेटवर्क जो साइबर ठगी से जुड़ा हुआ है वो काम कर रहा है, क्योंकि पिछले दिनों भी राजस्थान से कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। डिजिटल अरेस्ट या ट्रेडिंग के नाम पर ठगी करने का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें राजस्थान के कई साइबर अपराधियों का नाम अभी तक सामने आ चुका है। फिलहाल पकड़े गए तीनों आरोपियों की अगर बात की जाए तो इनके मोबाइल से लैपटॉप से कई अहम जानकारियां साइबर क्राइम थाना पुलिस को मिली है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। महिला डॉक्टर का पार्सल में ड्रग्स और अन्य संदिग्ध चीजें होने का दावा करते हुए महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर उसके खाते से 45 लाख रुपए अपने बैंक खाते में इन साइबर ठगों द्वारा ट्रांसफर कराए गए थे। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ